तो फ्रेंड्स आज ऐसे वाले क्रैकर्स के प्राइस बताने वाला हूँ, ठीक है। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉलिंग पे डील नहीं होगी। लोकेशन पे क्लिक करो, आपको पूरा मैप दिख जाएगा कहाँ से कहाँ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। साइज़ देख रहे हो इसका, क्या साइज है, मस्त वाला है। बल्कि ये ना अपना नाजी पंप आता है उससे ये बड़ा साइज़ है, ठीक है। इनकी टेस्टिंग की वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी, फिलहाल हम कर रहे हैं प्राइस लिस्ट कवर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी जनों के कमेंट आए थे भाई शॉप पे वीडियो ले आओ, शॉप की वीडियो ले आओ, तो वो आ गई है। तो वीडियो को सपोर्ट कर दो, इस वीडियो का टारगेट है 5000 लाइक, ठीक है। जल्दी जल्दी से कर दो और आपको वीडियो ऐसे कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आज सिर्फ क्रैकर्स की हम टेस्ट प्राइस कवर करने वाले हैं, तो चलो प्राइस कवर करें। तो फ्रेंड्स प्राइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी डब्बी से, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपको मिलता है, ये चटर बटर है, ठीक है। इनके जो प्राइस है अलग अलग प्राइस है ये सारे के सारे, अब ब्रांड के हिसाब से ऊपर नीचे होगा, ये पहले मैं बता दूँ आपको। अगर इसकी बात करते हैं तो ये नॉर्मली आपको 30 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी, 30 रुपये, ठीक है। ऐसे ये 35 और 50 रुपये के बीच में मिलेगी, ये आपको मिलेगी 25 रुपये की, ठीक है। तो अब सीन क्या है, ये महंगी क्यों, क्योंकि ये है जेम्स कंपनी की, ठीक है। आपने देखा होगा ये 35 से 50 रुपये के बीच में मिलती है, कई जगह ये सस्ती मिलेगी। अगर आप रेट क्वान्टिटी बढ़ाते जाओगे रेट सस्ते होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ जाके ये चटर पट रहा है ये सारे के सारे, ठीक है। अब आते हैं ये बुलेट बम, ये बुलेट बम है, ठीक है। इसके प्राइस की बात करते हो ये 25 रुपये और 30 रुपये और 20 रुपये के बीच में मिलेगी, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके बॉक्स के ऊपर MRP की बात करते हैं तो वो आपको 100 रुपया लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, दिखा है, ये देखो 100 रुपये दिख गया ना, हाँ ये 100 रुपया दिख गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये वाली लगाते हैं, ये आपको 20 रुपये में मिलती है, ठीक है, और 30 रुपये के बीच में। ये आपको म्यूर कंपनी की मिलती है। अगर बुलेट बम में बात की है ना, सबसे स्मॉल बुलेट बम में मैं इसको रेकमेंड करने के बजाय इसको रेकमेंड करूँगा, ये सबसे बेस्ट रहता है, ये काफ़ी बढ़िया साउंड चलता है, ठीक है। ठीक है, अब साइज़ देख सकते हो, इसका साइज़ और इसका साइज़, साइज़ का कितना डिफरेंस आ रहा है। पर मैं फिर भी रेकमेंड कर रहा इसको, क्योंकि ये ब्रांड आ गया म्यूर कंपनी के, जो ब्रांड है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। जैसे ये गंगा जमुना, ये म्यूर कंपनी का आता है, तो म्यूर कंपनी का गंगा जमुना महंगा मिलता है, अदर्स ब्रांडों में ये सस्ता होता जाता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जैसे कोको ब्रांड में म्यूर आता है, ठीक है, जो अनार चल के ब्लास्ट होता है, तो उसके उसके प्राइस का, जैसे इसके बॉक्स का रेट 80 रुपये 100 रुपये 120 रुपये के बीच में होगा, और यही कोको ब्रांड में चला जाएगा जो 220 250 ऐसे ब्रांड में चला जाता है। मतलब क्या है तो सेम ही है, पर साउंड का इफेक्ट पड़ता है और चलने का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में भी काफ़ी तरह की क्वांटिटी मतलब की क्वालिटी मिलती है, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो ये आपको 150 रुपये के बीच में मिलता है, 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इससे नीचे भी जाएँ तो आपको 80 रुपये का भी मिलेगा। ये चेक कर सकते हो, ये भी बटरफ्लाई है, ठीक है, और ये भी बटरफ्लाई है, ठीक है। प्राइस का ऊपर नीचे नेगोशिएशन होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी बॉक्स हैं ना ओवरऑल उसमें 10 पीस होते हैं। जैसे इसमें 8 पीस पड़े ना, 2 पीस टेस्टिंग के लिए ऐसे चला देते हैं, वो रहते हैं। जैसे इसमें चेक करो, इसमें पूरे 10 है, ठीक है। ये देखो इसमें भी मतलब कि 10 पीस का बॉक्स होता है, चलाए होते हैं, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ही आ गया बुलेट बम। ये अपना म्यूर कंपनी का बुलेट बम आता है। ये कौन सा बुलेट बम है, ये मिनी बुलेट बम है म्यूर कंपनी का। इसका जो प्राइस रहता है 50 रुपये 60 रुपये, और जो MRP है उसके ऊपर भी लेस मिलता है, ठीक है। जैसे आप 50% लेस ले सकते हो अगर MRP पे लेना है, MRP के हिसाब से 250 रुपये का इसका MRP है। तो पर ये 50 60 100 रुपये के बीच में मिलता है, पर एक्चुअल में ये आपको जो मिलने का, जो मैं जेन्युइन प्राइस बताऊँ, जो 30 से 35 रुपये और 40 रुपये इनफ, इसके बीच में आपको ये डब्बी ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे बुलेट बम हो गए और चटर पटर होगी, साथ में बटरफ्लाई होगी। अब आ जाते हैं ये वाला बुलेट बम आ जाता है, बुलेट बम नहीं है अपना हाइड्रो मतलब की नील का बम आ जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना रखा है सुतली बम की तरह, ठीक है, जिसको अपना ये वाला बम है, बस इसमें ग्रीन कलर की है वो, इसमें इन्होंने सिल्वर कलर की रखा, ठीक है। तो ये बम काफ़ी बढ़िया चलता है। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको 50 से 70 रुपये के बीच में ईजिली अवेलेबल आपको मिलेगा। अगर इसके MRP की बात करते हैं, इसका MRP कुछ है 600 रुपये, ठीक है। साउंड के मामले में ये काफ़ी बढ़िया है, गंगा जमुना आ जाता है, ठीक है। ये ब्रांड अलग अलग आते हैं, ये किसी दूसरे ब्रांड का है, ठीक है। तो देखने में एक जैसा लगेगा, जैसे ये चेक कर सकते हो, ये ब्रांड, ठीक है, और ये म्यूर कंपनी का, ठीक है। देखने में ये सेम होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, जो पटाखे सेल करता है, जो पटाखे ज़्यादा बजाते हैं तो उसको डिफरेंस पता चलेगा, जिसके हाथ में ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम आगे,
777 आ जाता है, जो 150 से 250 रुपये के बीच में बॉक्स मिलता है, ठीक है, डोलो का बम्ब है 777। इसकी आपने मेरे चैनल पर टेस्टिंग देखी होगी, ये वाले चैनल की, मेरे पास अभी बॉक्स पड़े हैं, ये चेक उसको कितना सही वाला बम्ब होता है, बहुत सही ब्लास्ट होता है। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें होता बुलेट बम भी है एक किस्म का, ये लगा लो ऐसे वाला बुलेट बम इसके अंदर होता है, पर जो इसके अंदर कागज लपेटे होते हैं वो बहुत मजबूत लपेटे हो, जिसकी वजह से इसका साउंड बढ़ जाता है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। अगर इसके MRP की बात करते हैं, इसका जो MRP रहेगा वो है 475 रुपये इसका MRP है, दिख जाओ MRP ये रहा 475 रुपये इसका MRP है, ठीक है, और ये आपको 150 से 250 के बीच में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोफोल आ जाता है, ठीक है, ये देखो ये हाइड्रोफोल आ गया, ठीक है। ये वाले बम का प्राइस आपको जो इजीली मिलेगा वो 30 रुपये से 35 रुपये के बीच में मिलेगा, पर इसकी बात करते हो ये 70 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि 10 पीस होते हैं इसमें, पीस ज़्यादा लग रहे हैं तो मेन रहते हैं इसमें 10 पीस, ठीक है। तो ये 70 रुपये से लेके, ये अलग अलग ब्रांड में लेते हैं, जैसे जैम्स का है ना, तो ये आपको 70 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में इजीली अवेलेबल मिलेगा, ठीक है, डिपेंड करता है, जैम्स कंपनी काफ़ी बढ़िया है बॉम के मामले में, ठीक है। उसके बाद अगर चलते हैं, इसका मैंने प्राइस बता दिया है, 20 रुपये से लेके 30 रुपये के बीच में मिलेगा, 25, 20, 30 इसमें रहता है, क्योंकि इनके प्राइस बढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है अपना मोर टैप आ जाता है, ये कुछ शावर टैप चलता है, ये कैसे चलता है, ये मदर्स का है, ठीक है, इसका MRP है 2500 रुपया, चलो वो तो लिखा होता है, ये 2500 रुपये लिखा होता है, इन्होंने ये 4-5 साल के फ्यूचर के लिए लिखा होता है, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 5 बम्ब है, 1, 2, 3, 4, 5 बम्ब है, जो कि ऐसे पूरा फ्लावर बनाते हैं, जैसे ये ऊपर बना हुआ दिखा रहे हो ना, पूरा ऐसे खिलरता है ये, मस्त वाला, एक बार आग लगाओ देन ये चलता है। और इसका जो आपको ईजिली देखने को मिलेगा वो आपको 350, ये रिटेल प्राइस बता रहा हूँ, 350 से लेके ये 250 रुपये के बीच में इजीली देखने को मिल जाता है, और आपको इसका 2500 रुपया रेट देखने को मिलेगा। देखो 2026 तक इसका MRP लिखा हुआ है, बल्कि इसका जो 10% हर साल पटाखे बढ़ते हैं, कभी 10% बढ़ते हैं, कभी 15% बढ़ जाते हैं, कभी 25%, पिछली बारी 35-40-45% पटाखों के रेट बढ़े थे, इस बार अभी देखो कितने बढ़ते हैं, 10% तक तो बढ़ चुके हैं, केवल होता है कि आगे जाके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर इस साल हो सकता है कि ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा पड़ी है, तो सामान इधर उधर एक्सपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत हुई है। उसके बाद ये आ जाता है, ठीक है, ये बटरफ्लाई है, ठीक है, ये आपको 150 से 200 रुपये के बीच में बॉक्स मिलेगा, और ये काफ़ी बढ़िया बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई देखो, ये भी बटरफ्लाई है, ये भी बटरफ्लाई है, अलग अलग बटरफ्लाई है, शेप अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, कंपनी का अलग रहता है, ठीक है। ये 150 से लेके 200 के बीच में आपको बॉक्स मिलेगा, ये भी सेम आपको 150 से लेके 100 के बीच में बॉक्स मिलता है, ठीक है, पर ये है कि ये थोड़ी ऊपर उड़ेगी हवा में, ठीक है, ये ऐसे गोल गोल घूमती है, 2-3 रंग छोड़ती है। उसके बाद ये आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, ये ड्रोन आ जाते हैं, ठीक है, ड्रोन टाइप आ जाते हैं, इसको आग लगाओ ये ऐसे घूम के ऊपर उड़ जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया चलता है, हेलीकॉप्टर टाइप होता है, ये बहुत सही चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चल जाते हैं, इधर आ जाते हैं। वैसे अगर इधर बात करें स्काई शॉट की, तो ये स्काई शॉट का रहता है 7 वाला, ठीक है, ये वाला स्काई शॉट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, देखने में कुछ ऐसा होगा, ये सेम ये आपको नज़र भी आ रहा है 7 शॉट, ये ऊपर जाके अलग अलग तरह के क्रैकलिंग करने वाले हैं, ठीक है। इसके MRP की बात करूँ तो ये आपको 350 के आसपास मिलेगा, 1350 रुपये इसका रेट लिखा है, 350 और 250 रुपये के बीच में ये आपको मिलेगा इजिली देखने के लिए। खोल के आपको दिखा देता हूँ मैं, रुको इसको तो चेक करो, ये वाला कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आग लगाओ और अंदर से कुछ ऐसा है, इसके ऊपर जाके आपको 7 पटाखे चलेंगे कंटिन्यू टा 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 करके, अब खिलरते कितने हैं ये टेस्टिंग के ऊपर मिलेगा। जितने मैं आपको क्रैकर्स बता रहा हूँ, प्राइस बता रहा हूँ, इन सबकी आपको टेस्टिंग भी इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो आपका तगड़ा लॉस हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो ये आपको 350 और 450 रुपये के बीच में मिलेगा, ठीक है। जब भी आप क्रैकर्स खरीदते हो उसको उठा के देखोगे तो आपको वजन के हिसाब से पता चल जाएगा उसमें कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके बाद इसके MRP करते हैं 1350 रुपये, ठीक है, तो ये चेक कर लो। उसके बाद ये आ गया, ये भी आपको सेम रेट देखने को मिलेगा, बस ये है कि इसका बॉक्स अलग किया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको 350 से लेके 250 से लेके 350-450 रुपये के बीच में ये इजीली आपको अवेलेबल होगा। अगर इसके MRP की बात करते हो तो इसका MRP 1200 रुपये लिखा हुआ है, ये बॉक्स देखो कितना बड़ा बनाया हुआ है, और इसमें कुछ ऐसा कलर आने वाला है, मतलब कि अलग अलग कलर आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैं जो ग्रीन वाले क्रैकर्स हैं इनका लास्ट में प्राइस बताऊँगा। उसके बाद आ जाते हैं अपना गंगा यमुना, ठीक है, ये वाला गंगा यमुना है, ये 150 से लेके आपको 100 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि म्यूर कंपनी का है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में 60-70 रुपये के बीच में मिलता था, पर इसका प्राइस बढ़ता बढ़ता अभी 600 रुपये इसका MRP आता है, ठीक है। तो पर ये आपको इजीली 150, 120, 80 और 200 इसके बीच में ये मिल जाएगा देखने को। ये भी गंगा यमुना है, ठीक है, इसका जो प्राइस है, ये प्राइस MRP क्या है इसका,
इसका एमआरपी लिखा है 420 रुपये, ठीक है, पर ये आपको इजीली देखने को मिलेगा 70 रुपये के बीच में, ठीक है। अब ये आ जाता है सेम यही आपको 70 रुपये के बीच में देखने को मिलेगा जी। जैम्स का है 180 रुपये रेट लिखा हुआ है, 70 रुपये और 100 रुपये के बीच में ये भी आपको गंगा यमुना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है बच्चों के क्रैकर्स आ जाते हैं, इसमें क्या है चेक किया जाए, ठीक है। इसमें ये वाले क्रैकर्स आ जाते हैं क्योंकि उसमें गाड़ी है जो शुरू करके आगे चलती है, एनिमल्स क्रैकर्स आए हैं, वो हमने बहुत चलाए हुए हैं ये बहुत बेहिसाब। अगर इसकी बात करते हो ये आपको 300 रुपये एमआरपी है और ये आपको इजीली 20 से 30 रुपये पे मिल जाएगी ये बॉक्स जिसमें 10 पीस होंगे, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, ये सारे एनिमल क्रैकर्स है जिसमें डोरीमोन हो गया और इसको आग लगाते ना ऐसे टाइम में सेम आते थे जो ऐसे स्नेक टाइप होता था उसको आग लगाओ ऐसे स्नेक भागता था, सेम ये वैसे चलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही हमने बचपन में बहुत चलाए हुए हैं। अब आ जाते हैं फाइनली गंगा यमुना के सारे के रेट हो गया ओवरऑल, अब आ जाते हैं इनके ऊपर। अगर इनकी बात करते हैं तो ये इसके बात करते हैं तो इसका जो ये चेक तो नाजी बम्ब आ जाता है, इसका प्राइस रहेगा कुछ एमआरपी की बात करते हैं तो इसका जो एमआरपी है वो कितना है वो भी बता देता हूँ, 865 रुपये इसका एमआरपी लिखा हुआ है, ठीक है। पर ये इजीली आपको 150 और 200 रुपये के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। 80 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्रांड ब्रांड का चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से ब्रांड जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे प्राइस चेंज होगा, ठीक है। ये आपको 100 रुपये से लेकर 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक मिल जाएगा, 200 तक जा सकता है दिवाली के आसपास। और सेम ये भी है आपको अगर इसके ब्रांड की बात करते हैं तो ये इसके एमआरपी की बात है 260 रुपये लिखा है, तो ये आपको 150, 100 और 200 इसके बीच में मिलेगा। 200 एमआरपी पे आपको तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, एमआरपी तभी मिलेगा जब ये माल शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। जो अभी के रेट बता रहा हूँ ये अभी के रेट है, आगे आने वाले दिवाली के पास आगे अगर इसकी शॉर्टेज होगी तो इसके रेट बढ़ सकते हैं, तो एमआरपी पे ये जा सकते हैं, नहीं तो 150-200 रुपये में इजिली मिल जाता है। अब ये देखो इसका साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, ठीक है। इसका साइज देख रहे हो, साइज़ का डिफरेंस देख रहे हो, ये देखो। अब देखो अगर ये आपको 80 रुपये का मिल रहा है, देखने को एक जैसा ही है पर जब आपको अकेला बॉक्स दिखाया जाएगा आप नहीं मतलब कि समझ नहीं पाओगे। ये देखो अगर ये आपको 100 रुपये का मिला तो ये 150 का मिलेगा, जो 200 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से कंपनी का भी ऊपर नीचे होता है। अगर इसकी एमआरपी की बात करूं तो ये आपको 250 रुपये के आसपास मिलेगा और इसका एमआरपी क्या देखने को मिलेगा, ये एमआरपी लिखा 900 रुपया, ठीक है। ये आपको 200 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में इजीली मिलेगा, इससे ज़्यादा महंगा ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी देख सकते हो इसकी टेस्टिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने ये जितने भी ग्रीन क्रैकर्स है ये सारे की आपको प्राइस बता दिया है, तो चलो वीडियो एंड करते हैं। अभी तक मैंने जो जितने भी क्रैकर्स हैं सबका प्राइस बता दिया है, अभी प्राइस लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। अभी इन बॉक्सों के सारे के रेट बताने हैं मुझे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, अगर आपके क्रैकर्स बाय करने हैं तो लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, नंबर नहीं मिलेगा मतलब कि कोरियर नहीं होते, काफ़ी जने डिलीवरी के लिए मांगते हैं, कुछ नहीं होगा। अगर आपने पटाखे परचेज करने हैं तो लोकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, आज के लिए इतना काफी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। आपका क्रैकर्स कौन सा है फेवरेट कमेंट करके बताना, गंगा यमुना किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको क्रैकर्स के प्राइस बताने वाला हूँ शॉप पे, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो भी गोदाम है। कॉलिंग पे नहीं होगा, डिलीवरी नहीं होती है फ्रेंड्स, कमेंट आता है डिलीवर कर दो। तो सबसे पहले ये देख चेक कर सकते हो, ये ठीक है। अगर इसके पूरे की बात करें तो अगर तो आपने ये वैसे लेना हो तो ये आपको बहुत महंगा पड़ता है, पर अगर आप होलसेल में ज़्यादा लेते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है। इसका जो प्राइस है ना वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर बात करें 250, 300, 200, 400, 450 उसके वजन के हिसाब से और उसके क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ता ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। और 250 रुपये में भी आता है, ऐसी वैसे नहीं आता, ठीक है। उसमें पीस कम हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर काउंट किया जाए तो एक में इसमें 50 पीस है, और अगर सिंगल की बात की जाए तो आई थिंक इस बार ये 20 रुपये का ही जाएगा, 20 या 25 रुपये का, पहले ये 10 रुपये का जाता था, ठीक है। और जो जिस जो कंपनी का नीचे रहेगा तो वो ये 15 रुपये का आपको इजिली मिल सकता है, क्योंकि 15 रुपये से लेके और ये आपको 25 रुपये तक ही मिलेगा अगर यही आप सेम लेते हो कोक ब्रांड में, ठीक है। बस ये है कि उसके ऊपर नागनी छपी होगी और ये आपको फिर मिलेगा 50 रुपये का एक पीस, ठीक है। तो मतलब ये सोच लो इसमें 50 पीस है, ठीक है। अगर ये आपको 20 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लो 2000 का ये बन जाता है, ठीक है। शायद ज़्यादा बनेगा, 50 है 2000 के हिसाब से ज़्यादा बनेगा, 50 है ना, तो अगर 20 रुपये के एक है 10 बने 200 2000 के आसपास ही बनेगा शायद, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, कॉल मत करना,
लोकेशन पे क्लिक करके आप आके परचेज कर सकते हो। तो जितनी जल्दी परचेज करोगे उतना सस्ता मिलेगा। दिवाली जैसे जैसे पास आती जाएगी रेट वैसे वैसे ऊपर जाते जाएंगे। तो चलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज ये वाले क्रैकर्स हम कवर करने वाले हैं, यहाँ तक करेंगे, 10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हो सकता है 10-11 मिनट की हो जाए। चलो स्पार्कल से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्पार्कल से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटी वाली स्पार्कल आती है ये वाली, ठीक है। ये देखो ये रेड कलर की आती है, ठीक है। ये कंपनी के हिसाब से प्राइस इनके ऊपर नीचे होते रहते हैं। वैसे अगर इसकी MRP की बात की जाए तो इसके MRP 90 रुपये रेट लिखा है, पर इजीली ये आपको 50 रुपये में मिल जाएगी, 50 से 60-70, हो सकता है 90 रुपये में मिले, पर डिपेंड करता है कि ये माल कौन सी कंपनी का है और किस हिसाब से आपको मिलता है। तो ये इजीली 50 रुपये की रहेगी, ठीक है, जो कि रेड कलर की है। इसमें कलर कलर अलग आते हैं, ठीक है। ये भी 50 रुपये की रहेगी, इसमें मल्टी कलर आ जाते हैं जो कि नॉर्मली ही चलती है, ठीक है। अगर इसकी MRP की बात करते हैं तो MRP इस पर 94 रुपीज लिखा हुआ है, ये चेक कर सकते हो, 94 लिखा हुआ है MRP, ठीक है। अब चले जाते हैं इससे थोड़ी बड़ी में, ठीक है, इससे थोड़ी बड़ी में जाते हैं। ये देखो इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। अगर इसकी MRP की बात की जाए तो 220 रुपये है इसका MRP लिखा हुआ है, और ये भी सेम चलने के कलर सेम रहेगा, ठीक है, जो गोल्डन सा सिल्वर सा रहता है, ठीक है। और ये आपको इजीली 100 रुपये में मिल जाएगी, 100 से ज़्यादा रेट इसका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी अगर अलग होगी तो रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। और ये खुला हुआ पीस है, ये देखो कुछ ऐसा स्पार्कल्स इसमें रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर करते हैं तो ये देखो उसके ऊपर चले जाते हैं, थोड़ी और बड़ी हो जाती है, टावर की हो जाती है, 30 नंबर हो जाती है, ठीक है। इसको भी हम खोल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि सारी मैं चीज़ आपको खोल खोल के नहीं दिखाऊंगा, कुछ ही खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें ये कुछ ऐसी आती है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। ये टावर की आ गई, ये बड़ा साइज आ गया था, ठीक है। अगर इसकी प्राइस की बात करते हो ये आपको 200-150 रुपये के बीच में मिल जाएगी, MRP इस पर 380 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये रह गया सेम कंपनी चेंज होगी, ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स है, कंपनी चेंज होगी तो इसका जो प्राइस है वो 100-150 रुपये में रहेगा, ठीक है। इनका भी सेम रहेगा, ये ग्रीन क्रैकर्स है, इनका 150 से ज़्यादा 150 या 200, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। MRP की बात करते हैं तो 170 रुपये इसका MRP लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये सारी सेम है, साइज इन्होंने ऐसे कि आ जाता है देना पड़ता है। अब आ जाती है ऊपर वाली स्पार्कल्स, ये स्पार्कल्स आ जाती हैं, ठीक है, ये चेक करो, इसमें भी स्पार्कल्स हैं, ठीक है। ये अलग कलर की आएगी, नहीं स्पार्कल्स नहीं है, इसमें पेंसिल्स है फ्रेंड्स। ये आपको पर बॉक्स पड़ने वाला है, इसका 250 रुपये रेट लिखा है, पर बॉक्स आपको ये 150 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा बॉक्स आपको उसी हिसाब से पड़ेगा, 150 रुपये के हिसाब से, क्या पता देने वाला क्या रेट देगा। पर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये मैं रिटेल और होलसेल बता दूँ, जैसे जैसे आप क्वान्टिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका प्राइस नीचे आता जाएगा। अगर आप इसमें एक लेते हो, ठीक है, तो अगर आप एक लेते हो तो आपको इतने का पड़ेगा, अगर आप ये पूरा बॉक्स लेते हो सस्ता पड़ेगा। एक्चुअल में पेंसिल है, खोल के दिखाता हूँ, देखो बीच में से कुछ ऐसी है चलने को, ये कुछ ऐसी रहेगी, ये 5 बॉक्स का है, ये सारी अलग अलग चलने वाली है। देखिए जैसे पूरा बॉक्स है, पूरा अगर लेते हो तो सस्ता पड़ेगा आई थिंक, क्या है, ठीक है, जब आप आओगे आपको प्राइस बता दूंगा, ठीक है। ये आपको चेक कर सकते हो, ये अलग अलग कलर रहने वाला है, जैसे ये रेड है, ये ब्लू है, तो इसमें अलग अलग ही शेड जो दिए वही चलने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे ये पेंसिल्स मैंने आपको दिखाई है, इसके साथ साथ ये वाली भी आती हैं, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। इसका मैं प्राइस बता देता हूँ आपको खोल के, इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये वो भी पेंसिल थी, ये भी पेंसिल थी, देखो इसमें कितनी सारी पेंसिल्स हैं, ठीक है। अगर इसके MRP की बात करते तो इसका MRP जो रहेगा वो आई थिंक कहाँ है, इसका MRP 1000 रुपये लिखा हुआ है, मतलब कि 1000 रुपये लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपको ये पूरी 10 पेंसिलें मिलती हैं, तो एक पेंसिल कितने क्योंकि लगा लो, पर ये आपको 30 से 50 रुपये के बीच में इजिली एक बॉक्स पड़ेगा, मतलब कि एक डब्बी पड़ेगी, ठीक है। ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, ऊपर आ जाती है अपनी इधर वाली, ये सारी स्पार्कल्स हमने कवर कर ली है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऊपर में, ये स्कैशॉट आ गया, नहीं ये भी स्पार्कल्स है, ये भी स्पार्कल्स हैं। तो देखते हैं इसमें स्पार्कल्स कौन सी और MRP क्या मिलता है और उसका आपको प्राइस क्या मिलता है, ठीक है। अब इसमें पूरे में 3 बॉक्स है, ठीक है, 3 बॉक्स के अंदर एक बॉक्स के अंदर 10 होगी तो उसके हिसाब से आपको MRP मिलेगा। पहले इसके पूरे बॉक्स का MRP 700 रुपये लिखा हुआ है, तो ये इजीली आपको 500 रुपये के आसपास मिलेगा। और एक बॉक्स की बात करते हैं तो 150 या 200 रुपये के बीच में ये आपको इजीली एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। पर बॉक्स के ऊपर भी देख लेते हैं क्या MRP आती है, ठीक है। वही स्पार्कल्स का देख लो कितना, पैकेजिंग कितनी मस्त की हुई है, ठीक है, आ जा बाहर। वही स्पार्कल्स इसमें मल्टी कलर है इसलिए ये महंगी मिलेगी, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। इसमें आपको ग्रीन, येलो, ब्लू सारे कलर मिलेंगे और 10 पीस की ये पैकेजिंग रहने वाली है। और ये आपको 200 और 250 रुपये के बीच में आपको ये मिलने वाली है। इसका MRP 185 रुपये लिखा है, तो मतलब कि ये 150 रुपये की आपको मिलने वाली है।
हो सकता है कि आपको 180 रुपये की दी जाए, ठीक है, पर देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो ये 150 रुपये की, इसलिए आपको 150 रुपये की मिलेगी, होलसेल के हिसाब से ये आपको 80 रुपये और 100 रुपये या 120 रुपये के हिसाब से आई थिंक मिलेगी, ठीक है। बाकी जब आते हो आप माल कितना लेते हो उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे होंगे। जैसे कि तो जैसे अभी सितंबर स्टार्ट हुआ है, जैसे ही स्टार्ट हुआ है आप माल लेते हो, सामान लेते हो, अभी सितंबर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी होना है, कुछ दिन पड़े हैं सितंबर में। स्टार्टिंग में अगर आप सामान लेते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, जैसे जैसे दिवाली नेड़े आती जाएगी, पटाखे बिकते जाएंगे, शॉर्टेज होती जाएगी, उसी हिसाब से प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये वाले सारे बॉक्सों का रेट बता दिया है आपको। वो वाली स्पार्कल आती है, वो वाली स्पार्कल भी आपको दिखा भी देते हैं और उसका प्राइस भी बता देते हैं। अगर इसके एक स्पार्कल के बॉक्स की बात की जाए तो ये आई थिंक आपको 150-200 रुपये के बीच में पड़ेगा। हाँ, ये 150 रुपये के बीच में पड़ेगा, और ये अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो ये 100 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपको खोल के दिखाता हूँ, खोल के दिखाने के चक्कर में मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आपको मज़ा तो आएगा और पता भी चलेगा। ये देखो, इसमें कलर वाली स्पार्कल है, ये ग्रीन कलर है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। और इसमें आपको 5 पीस मिलते हैं, और ये आपको 100 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच में ईजिली अवेलेबल होगी। तो ये स्पार्कल आप चेक कर सकते हो, साइज कितना बड़ा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे वाली स्पार्कल में। ये वाली स्पार्कल मैंने आपको दिखा दिया, ऊपर पेंसिल बॉक्स पड़े हुए हैं जो कि ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। उसके बीच में आ जाती है ये वाली बड़ी स्पार्कल्स, ये स्पार्कल चेक कर सकते हो। और इसका MRP है गया 1500 रुपया, ठीक है, पर ये इजीली आपको जो अवेलेबल रहेगी वो रहेगी आपको ये 350 और 500 रुपये के बीच में, ठीक है। एक बार निकाल के दिखा देता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। खुल जा सिम सिम, ये लो। तो ये देखो, इसमें मल्टी स्पार्कल्स है, एक नहीं है, इसमें ग्रीन, रेड और जो नॉर्मल चलती है वो, और इसमें आपको जो स्पार्कल्स मिलेगी वो 5 मिलेगी। तो आई थिंक ये 250 रुपये के आसपास आपको ये स्पार्कल्स मिलेगी, और रिटेल में अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि आपको 600 रुपये में मिले, ठीक है। मतलब कि 70 रुपये एक पड़ती है, कुछ पड़ती है, पर MRP की बात करते हैं तो 1500 इसकी MRP है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, स्पार्कल्स यहाँ पर सारी खत्म हो गई हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर स्पार्कल्स की बात की जाए तो ये सारा बॉक्स मैंने आपको प्राइस के हिसाब से बता दिया, बकायदा खोल खोल के आपको दिखा भी दिए। ये भी सारी स्पार्कल्स आती है गुड़िया की, ठीक है। तो ये स्पार्कल्स का रेट बढ़ता जाता है, ये चेक कर सकते हो। ये स्पार्कल्स देखोगे इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्पार्कल्स हैं, ठीक है। ये देखो, ओहो हो, ये स्पार्कल्स चेक करो कितनी बढ़िया है। ये स्पार्कल्स हार्ट की शेप में है, देखिए गर्लफ्रेंड को। तो अगर इसके MRP की बात करते हैं तो इसके जो लिखा हुआ है आई लव यू लिखा हुआ है, ये चेक करो स्पार्कल्स कितनी मस्त है, ठीक है। ये चेक करो, इसका टावर कंपनी का, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका MRP आप चेक कर सकते हो, ये 223 रुपये की लिखी हुई है, मतलब कि 2350 रुपये की लिखी हुई है। ये आई लव यू वाली स्पार्कल कुछ ऐसे चलने वाली है, और इसका जो प्राइस ये रहेगा आपको 650, 700 और 500, 450, 350 इसके बीच में रहेगा, ठीक है। अब डिपेंड करते हैं आप कब परचेज कर रहे हो, पर ये स्पार्कल चेक कर सकते हो, ठीक है। और कोरियर नहीं होती भाई, आपको खुद ही आके लेके जानी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अगर इनकी बात करते हो तो ये मोर कंपनी का ये शावर सा आता है, मोर कंपनी का नहीं, मोर मदर्स का आता है, शावर सा बना होता है। ये 250 रुपये के बीच में मिला है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। आज की डेट में ये 250 रुपये का है, ठीक है। उसके ऊपर भी ये आपको क्रैकर्स मोर का ही मिलता है, यही वाला है, सेम है, उसका साइज थोड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है। जैम्स की ये आ जाती है डब्बी, ठीक है, ये वाली डब्बी आ जाती है, ये आपको मिलेगी अपनी 3500 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये जैम्स की डब्बी भी सेम ही आपको देखने को मिल जाती है, इसके अंदर चटर बटर मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये भी वही चटर बटर है जो कि आपको प्राइस सेम ही मिलेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 50 रुपये से लेके आपको 35 रुपये के बीच में ये बॉक्स मिलता है। अगर इसकी MRP की बात करते हैं, 401 रुपये इसका MRP लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बटरफ्लाई पे, बटरफ्लाई आपको 150 रुपये का बॉक्स मिलता है, ठीक है। और ये इसका प्राइस रहता है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करते हो तो ये 100 रुपये का भी मिलता है, अगर आप नॉर्मल लेते हो तो 100 रुपये का भी मिलता है। ब्रांड ऊपर चेंज होंगे तो इसका प्राइस भी ऊपर नीचे होएगा होगा। ये सारी बटरफ्लाई है, ये चटर पटर है, ये चेक कर सकते हो, हिल गया, ये चटर पटर है। इसकी बात करते हो, ये 35 और 45 रुपये के बीच में मिलता है, ये चेक कर सकते हो। क्वांटिटी और क्वालिटी अलग अलग चेंज होती रहती है, ओवरऑल जितने भी बॉक्स होते हैं इन सब में 10-10 पीस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आ जाते हैं नीचे, नीचे ये ग्राउंड चक्कर आ जाता है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। इसमें मिलता है आपको ग्राउंड चक्कर, चक्री का साइज दिखा देता हूँ मैं, ये वाला मिलता है, एक ग्राउंड चक्कर में आपको 10 पीस मिलते हैं, ये 200 से लेकर 150 रुपये के बीच में आपको इजीली अवेलेबल होता है। 210 रुपये इसका MRP है, पर 200 से 150 के बीच में ये इजीली मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर ब्रांड चेंज होगा तो ये 100 रुपये का भी आपको मिल जाता है, ठीक है। ये चटर पटर आ गए सारे, ठीक है, रेट मैंने आपको बता दिया इसका।
35 रुपये से लेके 50 रुपये और 25 रुपये वाले भी आपको इसमें बॉक्स देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला बॉक्स 25 रुपये का, 20 रुपये का मिलेगा, ठीक है, ऐसे रेट ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल ये अपना वीडियो यहीं पे खत्म। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी तरह ये मैंने जैसे अभी मैं आपको बता दूँ, वहाँ स्पार्कल से लेके यहाँ तक ये शूट सारा कर दिया, इसका प्राइस बता दिया। इसी तरह ये सारे प्राइस का मैं आपको प्राइस बता दूंगा, ठीक है। और ये जो प्राइस है ये होलसेल और रिटेलर के बीच वाले प्राइस है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे प्राइस नीचे जाते ही रहेंगे, अगर आप क्वांटिटी कम करोगे एक एक बॉक्स लोगे तो प्राइस ये वाला लगेगा। इसके आसपास सस्ता ही पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ इससे भी सस्ता पड़ेगा, ठीक है। पर इससे अगर और सस्ता बताता हूँ तो सीन क्या होता है कि फिर वही प्राइस आके मांगते हैं कि यही प्राइस दो, पता लगे वो दिवाली वाले दिन आ रहे हैं तो उसी हिसाब से वो मिलते नहीं, तो मैं वो बता रहा हूँ जो आपको इजीली यही प्राइस मिलने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आज के लिए इतना काफी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, लगातार वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, ठीक है। अगर कर रखा फिर तो आती मत बना, नहीं तो सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक कर दो। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक कर दो तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में।